ना इतना हमें लेट हो गया है, लेट में नहाए भी हैं, लेट में सारा काम हुआ है। सुबह ब्रेकफास्ट में भी कुछ नहीं बनाई थी, जस्ट मैंने ब्रेड सेक लिया था। तो अब जा करके फ्री हुए हैं और जा रहे हैं खाना बनाने। और ये डिब्बा ना, मतलब ड्राई फ्रूट वाला, 4 महीने हो गए अभी तक नहीं ख़त्म होने का नाम ले रहा है। खाते हैं बट ख़त्म नहीं होता। और आज ना मैंने सूट डाला हुआ है, ये बहुत दिनों से रखा हुआ था, मैंने लखनऊ में लिया हुआ था तब से रखा है। और आज भले ही का सासू माँ की स्पेशल वाली रोटी, जो उनकी दाल वाली रोटी होती ना, तो दाल वगैरह ये पिस गई है। और अभी मैं बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी, थोड़ा सा मतलब इतनी रसे वाली भी नहीं रहेगी ना, इतनी सूखी रहेगी। और माँ बनाएंगी रोटी ये दाल वाली, क्योंकि मेरे से नहीं बनती हैं। ये दूध पता नहीं क्यों रखा हुआ है इतना थोड़ा सा। और जो हम लोग करी पत्ता वहाँ से, हम लोग नहीं मतलब माँ जो थोड़ी थी, वो मैंने धुल करके रख लिया है, थोड़ा सा सूख गया था। और ये धुल करके रख लिए हैं, अभी इसको मैं जा रही हूँ धूप में डाल दूँगी ना, तो ये सूख जाएगा। और फिर सूखने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देंगे ना, तो ये इसका चूड़ा टाइप का बन जाएगा। तो फिर डिब्बे में भर करके कुछ माले जाएंगे, कुछ मैं यहाँ रख लूँगी अपने लिए। और अभी मैं अपना बेडरूम दिखाती हूँ। आज मैंने छोटू मोटू वाला मेकओवर किया है बेडरूम का। मेन मैंने ना कर्टन्स चेंज किए हैं, काफ़ी टाइम से वही कर्टन्स लगे हुए थे, तो मैं बोर हो गई थी देख देख करके। और अभी ना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ना अलग दिख रहा है रूम। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग कर दी, कि लटकन का नहीं समझ में आ रहा था कि इसको कैसे यूटिलाइज करूँ इसका, तो फिर दिमाग आया कि चलो इसको बाथरूम एरिया पर लगा देती हूँ, अच्छा भी लग रहा है। स्पेस था ना यहाँ पर, तो एकदम परफेक्ट लग गया है। और लैंप भी काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो इसको भी मैंने लगा दिया। और अभी फाइनली मुझे मेरा रूम बहुत अच्छा लग रहा है। और जब आप कुछ अलग करते हो ना अपने घर में, थोड़ा सा ही चेंजेस कर देते हो ना, तो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो आज वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ, थोड़ा सा ना कुछ मेरा रूम अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और अभी हम दोनों सास बहू किचन में आ गए हैं, लग गए हैं अपने ड्यूटी पे। तो मेरी सब्जी बनाने की ड्यूटी है और माँ रोटी बनाएंगी दाल वाली। तो मैं पहले अपनी सब्जी बना लूँगी, इसके बाद ही फिर रोटी बनाएंगी माँ गर्म गर्म, क्योंकि ये रोटी ना ठंडी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। बस आप एक एक गर्म गर्म सेकते जाओ, और जो भी सामने बंदा या बंदी हो उसको देते जाओ, तो वो एक एक खाता जाए। क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी ठंडी हो जाती ना, तो फिर टाइट टाइट हो जाती हो और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं पहले सब्जी बना लूँगी, इसके बाद फिर माँ रोटी बनाएंगी। और बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी दिन बाद दाल वाली रोटी खाने को मिल रहा था ना, तो थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि हाँ चलो अभी कुछ अलग खाने को मिलेगा। और वैसे भी अभी तक हम लोग 2-3 दिन से ना बाहर का खा रहे थे ना, तो वो एकदम स्पाइसी तेल मसाला खाते खाते ना दिमाग ख़राब हो गया था। तो अभी ये था ना कि हाँ चलो थोड़ा सा कुछ सिंपल खाना खाएँगे। सब्जी पक गई है, मैं आप लोग को दिखाऊँ, एक मिनट। और सासू बा की रोटियां भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। पहले मैं सब्जी दिखाता हूँ अपनी। दाल वाली रोटी में ना ऐसी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, पूड़ी के साथ भी ऐसी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और पास से दिखाऊं आपको, तो ये मेरी सब्जी बन गई है। और इसमें पता है आज मैंने ना ताज़ा वाला धनिया पत्ता नहीं डाला है, जो मेरी मम्मी, मायके वाली मम्मी मतलब सुखा करके धनिया पत्ता दी थी ना पाउडर फॉर्म में, उसको आज मैं डाली हूँ। और इधर दिखाऊँ आपको, माँ की रोटियाँ भी बनने लगी हैं गर्मा गर्म। और माँ की ट्रिक आप लोगों को दिखाऊँ, इतना मस्त तरीके से बनाती है ना, ये देखो। और मैं मतलब ना सीखने की बहुत कोशिश करती हूँ, बट मैं इसे बन नहीं पाती है। एक तरफ का ना दिल्ली का भगने लगता है, एक कलकत्ता का भगने लगता है, बट मैं ट्राई करती हूँ, मैं इसे हो नहीं पाता है। बहुत टेढ़ी मेढ़ी, मोटी मोटी, कहीं से ज़्यादा पतली हो जाती है, कहीं से ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो फिर ऐसे में मन करता है ना कि ना ही बनाओ तो ज़्यादा ठीक है। तो अभी मैं इनको थाली लगा करके दे देती हूँ, क्योंकि ये रोटियाँ ना गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती हैं, अगर ठंडी हो जाती ना तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो इनको देते हैं, ये पहले खाएँ और बताएँ मेरी सब्जी कैसी बनी है और माँ की रोटी कैसे बनी है। क्योंकि ये खाना में ना मतलब 50-50 है, रोटी माँ की है और सब्जी मेरी है, तो दोनों को ही क्रेडिट जाएगा ना। तो चलो मैं दे देती हूँ। और इतनी दाल बच गई है ना, तो अभी शाम के टाइम पे चीला बना लूँगी। तो ये उड़द दाल है और ये चने की दाल है, तो बहुत अच्छा चीला बनता है इसका, उड़द दाल और चने की दाल का चीला।
बहुत कम ही लोग बनाए होंगे, खाए भी होंगे, बट मैं बनाती हूँ। मुझे उड़द दाल वाला चीला बहुत अच्छा लगता है और सेम प्रोसेस रहता है जैसे मूंग दाल का बनाते हैं वैसे ही इसका बनाते हैं उड़द दाल वाला, तो ये मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसका जो महक होता है ना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो अभी मैंने थोड़ा सा डाल तो दिया था, और लेना है डाल दी और ले लूँ दूसरी रोटी में। ठीक है ना, हाँ ठीक है। देख रहे हो कितना सारा मक्खन इनको खाना हुई मम्मा, दिखा दो। तुम नहीं दिख रहे हो, तुम्हारा सर नहीं दिख रहा है। घर का है सफेद वाला मक्खन। ये रोटी के साथ अच्छा लगता है, मैंने नहीं कभी खाया ऐसे लगाकर। सुरज को फ्रिज में की क्या करूंगी, नहीं फ्रिज में रख कर आओ ना, नहीं पिघल जाएगा। तो ये हमारा थाली हमारी लग गई है, हमारी थाली लग गई है। आलू मटर की सब्जी और दाल वाली रोटी मक्खन। पहले मैं सोच रही थी ना कि मैं कहती हूँ कि चटनी भी बना लूं, बट फिर नहीं बन पाया है, सोचती रह गई। लो अच्छा अपना खाना ले लूं, इसको मैं उधर ही रख दूं सब्जी को। बाहर चलते हैं और इनसे पूछते हैं कैसा बना है। देखो इनकी थाली दिखाऊं आपको, मैंने कटोरी में सब्जी दी थी, गरम थी यार बहुत, इसे निकाल दिया। हाँ मैं कटोरी में सब्जी दी थी तो इसको ऐसे फैला लिया, और मक्खन दिखाऊँ आपको कितना ज़्यादा ले रखे हैं। और कभी कभी तो इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बनते हैं ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जब पास आते हैं ना तो इनसे ज़्यादा फिर नहीं कोई खाता। घर का मक्खन तो, घर का मक्खन तो नुकसान नहीं करता है। माँ कह रही नहीं भाई। तो हम लोग का लंच हो गया है और अभी मैं इनको फैला देती हूँ। करी पत्ता जो मैंने धुल करके रखा हुआ था ना तो धूप में डाल देती हूँ तो ये सूख जाएंगे। और इतनी ज़ोरों वाली धूप अभी होने लगी ना, मतलब लगी नहीं रहा कि मार्च का टाइम है, और वैसे भी होली के टाइम पे थोड़ी थोड़ी ठंडक रहती ना, बट इस बार मुझे लग रहा है सीन उल्टा ही होने वाला है क्योंकि अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी सी लगने लगी ना, धूप बहुत तेज़ होती है। तो ये दोपहर बस में ही सूख जाएगा, और अगर नहीं सूखेगा तो फिर इसको कल एक बार और फैला देंगे तो और अच्छे से सूख जाएगा। गुड इवनिंग, तो अभी 5 बज रहे होंगे और हम लोग ना सो गए थे क्योंकि इतनी सारी दाल वाली रोटी खाने के बाद ना नींद आती है, और बहुत अच्छे वाली नींद आई है। जब आप मतलब बहुत कुछ हैवी टाइप का खाते हो ना तो फिर बहुत अच्छी वाली नींद भी आती है। और अभी तो अब गर्मी का टाइम आ गया है ना, तो गर्मियों में तो वैसे भी ज़्यादा नींद आती है। दोपहर में मतलब खाना खाने के बाद मन करता है ना थोड़ा सा छोटू मोटू वाला नैप ले लो। तो अभी हम तीनों लोग सो गए थे और अब क्या करेंगे, जाएंगे थोड़ी देर बाहर बालकनी में बैठेंगे। अभी मैं जाती हूँ करी पत्ता देखती हूँ क्या हाल हो रखा है उनका, और फिर इसके बाद घूमेंगे। हाँ सोच रहे थे आज थोड़ी से मार्केट जाते हैं, मतलब यहाँ पास वाली मार्केट तक, तो देखते हैं अभी जाते हैं या नहीं क्योंकि मन कर रहा था कुछ छोटी मोटी सामान भी लेने हैं इस वजह से। और पास में मार्केट होने का ना यही एडवांटेज रहता है कि अगर एक दो चीज़ें भी घट जाती हैं ना तो फिर ये होता है कि चलो चलते हैं पास में ही तो है, ले आते हैं सामान। और अभी आज हम लोग माँ को पिज़्ज़ा बर्गर वाली पार्टी दे रहे हैं, तो बस पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर किए हैं और फ्रेंच फ्राइज मैंने एयर फ्रायर में ही डाल दिया है। कोल्ड ड्रिंक हमारे पास पहले से रखी हुई थी, तो माँ को काला वाला पसंद है कोको कोला, हाँ, और मुझे स्प्राइट पसंद है, दोनों ही रखी है। तो आज हम लोग अभी पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। और जब सोकर उठो आवाज़ कैसी थोड़ी सी अजीब अजीब सी भारी भारी सी लगती है ना, और अभी ना सच बताऊँ गर्मी होने लगी है, मन करता है ना पंखा चलाओ, भले ही स्लो चलाओ बट चलाओ, लेकिन अभी हम लोग चलाते नहीं हैं। तो अभी आप लोग को दिखाऊं हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया है, और इतना यमी दिख रहा था ना, वैसे खाने में भी बहुत टेस्टी था। मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा नहीं पसंद है, मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ ठीक है मिल गया तो खा ली एक दो बाइट, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे मंगाना है पिज़्ज़ा खाना है, ऐसा वाला नहीं होता है। बर्गर मुझे बहुत पसंद है, फ्रेंच फ्राइज बर्गर कोल्ड ड्रिंक, ये तीन चीज़ का जो कॉम्बिनेसन होता है ना ये मुझे बहुत पसंद है, और खाना भी अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग खा लेते हैं, इसके बाद थोड़ी से मैं बाहर इवनिंग वॉक करने आ गई हूँ। ये जो सनसेट वाला टाइम है ना मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली समर में, क्योंकि गर्मियों का जो टाइम होता है ना शाम के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, बाहर निकलो घूमो। और ठंडियों में तो ऐसा सीन होता है ना कि बस मन करता है यार ठंडी लग रही है, ब्लैंकेट के अंदर बैठ जाओ, टीवी देखो, फ़ोन चलाओ, और बाहर ज़्यादा निकलने का मन नहीं करता है। बट गर्मियों में तो ऐसा होता है ना कि धूप निकली नहीं कि मन करता है कि आप थोड़ी देर बाहर बैठो, बाहर का व्यू के मज़े लो, और अच्छा भी लगता है। तो चलो अभी अब मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।